good morning students hope you all are fine in this pandemic situation as i taught you yesterday today i am going to start your literature book of english starburst of course 1 as i taught the poem this is the way yesterday i have taught you this poem as i told you about the way of washing face combing your hair brushing your teeth getting dressed and way to going school

Today, I am going to start your second poem, The Wheels on the Bus. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. Roll hands over each other. I will convince you Hindi and English. व्हील्स ऑन द बस व्हील्स किसको कहते हैं व्हील्स में होता है, है पहिया चक्का ऑन द बस यानी कि बस पर जो चक्का लगा हुआ है उसके बारे में कहा गया है बस के जो पहिए होते हैं वो गोल 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 पूरे शहर में क्या करते हैं घूमते हैं इसको एक्टिविटी के के, के साथ पढ़ाना है लेकिन मैं विदाउट एक्टिविटी आप लोग को पढ़ा रही हूँ द वाइपर्स ऑन बस गो श्विश स्वइस श्विश श्विश श्वइ श्विश स्विच श्विच स्विच द वाइपर्स ऑन द बस को swish, swish, swish ऑल through द town. पुट आर्म्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेव them फ्रॉम लेफ्ट टू राइट गाड़ी के जो वाइपर्स हैं बार बार क्या कर रहे हैं पूछ रहे हैं स्विच स्विच कर रहे हैं इस तरह से ऐसे ऐसे इस ऐस तरह से कर रहे हैं स्विच कर रहे हैं स्विच कर रहे हैं बार बार पूरे शहर में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गाड़ी के आगे क्या लगा हुआ रहता है वाइपर लगा रहता है जो गाड़ी में गाड़ी के शीशे पे अगर कुछ पड़ जाता है तो उसे पोचने में मदद करता है द डोर ऑन द बस गो ओपन एन एंड शर्ट ओपन एन एन शर्ट ऑफ एन शर्ट द डोर ऑन द बस गो ओपन एन ए शर्ट ऑल थ्रू द टाउन कवर आईज विथ हैंड्स ऑन शर्ट एंड अन कवर दैम एन एन ऑफ गाड़ी का दरवाजा जो है बार बार खुल रहा है बंद हो रहा है खुल रहा है बंद हो रहा है खुल रहा है, है बंद हो, हो, हो रहा है पूरे शहर में कवर आइज विथ हैंड्स क्या करना है आँख आँख के आँख को ढक लेना है और एक बार बंद करना है खोलना है द हॉर्न ऑन द बस गोज बी बी बीप बी 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 बीप द हॉर्न ऑन द बस गोज बी बी बीप ऑल थ्रो द टाउन गाड़ी का जो हॉर्न है किस तरह से आवाज निकालता है बीप 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 की आवाज़ निकालता है पूरे शहर में द बेबी ऑन द बस सेज वे 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 द बेबी ऑन द बस सेज वे 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 इज वो द टाउन पुट्स हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर आइज एंड रब देम लाइक बेबी क्राइंग गाड़ी में जो बच्चा हुआ है वो बच्चा बैठा हुआ है जो कैसे रो रहा है किस तरह से मैं 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 कर रहा वह वह की आवाज़ निकाल रहा है तो आप लोग को एक्टिविटी के में क्या करना है अपने अपनी आँखों पर हाथ मलना अपनी आँखों पर हाथ मलना है बच्चा रोता है उस तरह से द पीपल ऑन द बस से पीपल ऑन द बस से श ऑल थ्रो द टाउन बस में बैठे लोग बच्चे को चुप करा रहे हैं और कह रहे हैं श शांत रहो पुट योर फिंगर ऑन योर लिफ्ट अपनी उंगली को अपने होट पे रकौश की आवाज़ निकालो द मम्मी ऑन द बस इज़ आई लव यू आई लव यू आई लव यू द डैडी ऑन द बस सेज़ आई लव यू टू ऑल थ्रू द टउन पुट टू सेल्फ ऑन आई राइट हैंड ओवर हर्ड ऑन लव एंड पुट टू अदर ऑन यू बस में बैठी बच्चे की माँ कह रही है मैं तुमसे प्यार करती हूँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ बस में बैठे बच्चे के पापा कह रहे हैं मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ पूरे शहर में अपने अपने ऊपर क्या करना है अपने आप को पॉइंट आउट करना है और ये क्या करना है एक्टिविटी के ज़रिए इसको कर दिखाना है लेकिन मैं विदाउट एक्टिविटी आप लोग को ये पढ़ा रही हूँ नेक्स्ट डे आई विल मेक यू द वर्ड मीनिंग यू विल रिमेंबर इट एंड दिस इज़ अ यकेंड पॉइंट एंड आफ्टर Making you write the words meaning. We will start from the chapter 1. A for then. You will read the words meaning and you will read the poem. You will read the poem at least 8 lines with meaning. Thank you.